हेलो एवरीवन गाइस, दिस इज़ विशाल नायक फ्रॉम विशाल नायक ऑफिशियल। आप सभी को तो पता होगा कि मैं कौन हूँ। और सो आई एम ए सिंगर एंड सिंगर हूँ, बट आज मिक्सिंग मास्टरिंग के ऊपर कुछ बताना चाहूँगा आप सभी को, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने स्पेशली पूछा है, DM करके पूछा हुआ है कि सर आप मिक्सिंग मास्टरिंग कैसे करते हैं, आप भी बिगनर हैं, ऐसे कैसे कर लेते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि आई एम ए बिगनर एंड बिगनर एज अ बिगनर मैं जितना भी मिक्सिंग मास्टरिंग करता हूँ वो मेरे लिए सफिशियंट रहता है। और अगर लोगों को मेरा मिक्सिंग मास्टरिंग पसंद आ रहा है तो मैं फिर पीछे क्यों हटूँ। मैं भी उनको बताना चाहूँगा कि मैं कैसे करता हूँ, क्या करता हूँ, ताकि वो लोगों को भी कुछ आइडिया मिल सके रिगार्डिंग मिक्सिंग मास्टरिंग, एंड वो भी अपना वॉइस एनहेंस करके बेटर परफॉर्म कर सकें डे बाई डे। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मैं एक प्रोफेशनल मिक्सिंग मास्टर नहीं कर सकता, मैं एक प्रोफेशनल म्यूज़िक एडिटर या फिर कुछ जो भी नाम देते हैं आप, मैं वो नहीं हूँ। पर आप मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप YouTube पे जाके वीडियोज़ चेक कर सकते हैं मिक्सिंग मास्टरिंग के ऊपर, काफ़ी सही सही आइडियाज़ देते हैं, टिप्स देते हैं वो, और मैं भी थोड़ा बहुत रिसर्च किया हूँ यूट्यूब से। उसको रहने देते हैं यूट्यूब को। अब मैं ही बता देता हूँ आप सभी को कि कैसे क्या करना है। अगर हो सके तो आप पूरा देख लीजिएगा वीडियो, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाएगा। आप सभी के लिए एक मैं ट्रैक खोलता हूँ। दिस इज़ अ सॉन्ग इन माई ओन लैंग्वेज, दैट इज़ ओडिया। सो द सॉन्ग नेम्ड मोनो खोजुतिला। आप गाने पर मत जाइए, आप मिक्सिंग मास्टरिंग पर जाइए। मैं ये गाना इसलिए चूज़ किया हूँ ताकि देर इज़ नो इशू ऑफ कॉपीराइट हियर, एंड आप सभी को तो पता है कि कॉपीराइट क्लेम और स्ट्राइक का क्या सीन होता है यूट्यूब पे। यही है जो भी है, ये थोड़ा बहुत सर्च कर रहा है। ओके, सो स्किप ऑल। ओके, सो इसका ट्रैक, सो गाइस ट्रैक थोड़ा सा गुम गया था, मुझे ढूंढना पड़ा ट्रैक, और मैंने इसको ट्रैक इधर फिर ट्रैक कर लिया है। अब हम आगे प्रोसेस पे बढ़ते हैं। सो दिस इज़ द कैराओके ट्रैक, दिस इज़ द वोकल लीड वोकल ट्रैक। ओके, सो ये मिक्स क्राफ्ट का डॉ है, ये मिक्स क्राफ्ट है, और मैं इसी पे ही करता हूँ जो भी करता हूँ। इसके रिगार्डिंग मैं बताऊँगा। ये सब मेरे इफ़ेक्ट्स हैं, मैंने डाले हुए हैं। मैं इसको एक काम करता हूँ, रिमूव ऑल इफ़ेक्ट्स भी डाल लेता हूँ पहले। अब हम लोग का जो सारा इफ़ेक्ट जो रिमूव हो चुका है, मैं इसको म्यूट कर लेता हूँ पहले कैराओके ट्रैक को, और मैं आपका वॉइस सुनाता हूँ, मेरा अपना वॉइस सुन लीजिए कि कैसा है क्या है। मन खोजुला गोटे प्रेमिका ताकु मिलला मनर नायिका प्रेम हैला कि हाय मते रे ओ फिका फिका थिला ए जीवन रंग भरी आनी देलु फगुण प्रेम हैला कि हाय मते रे ओ। कुछ इस तरीके का था ये सॉन्ग, और ये मेरा पूरा रॉ वॉइस है विदाउट एनी इफेक्ट, आप खुद देख सकते हैं इधर। मैं ये कहूँगा कि मिक्सिंग मास्टरिंग पे ज़्यादा ध्यान ना दे के आप अपने सिंगिंग, अपने वोकल्स पे ध्यान दीजिए, ताकि आप अच्छे से गा सकें, ताकि आपका मिक्सिंग मास्टरिंग भी और बेटर हो सके। सो दिस इज़ द प्रोसेस व्हाट आई वांट टू से। ये हम लोग का कैराओके ट्रैक हो गया, ये हम लोग का वोकल ट्रैक हो गया। ओके, मिक्सिंग का सबसे पहला काम ये होता है कि हम जो अपने जो वोकल्स के जो सेगमेंट्स हैं, ये जो सेगमेंट्स हैं, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, जितने भी सेगमेंट्स हैं, हम उन सेगमेंट्स के नॉइस पहले रिडक्शन करेंगे। जितने भी सेगमेंट्स हैं सबके नॉइस रिडक्शन करना हम लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी होगा। नॉइस रिडक्शन कैसे करते हैं, इस पर डबल क्लिक कीजिए इस ट्रैक पर, और यहाँ पर देखिए साइड पर लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे यहाँ पर टाइम और ऑडियो लिखा रहेगा, तो ऑडियो पे आप क्लिक कीजिए, और यहाँ पर देखिए एक नॉइस रिडक्शन का एक तो पैनल रहा होगा। मैं यूजली 8-10 यूज़ करता हूँ, 8-10% सॉन्ग्स में मेरे अपने, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो वो वॉइस का जो क्रिस्पनेस रहता है, वॉइस का जो क्या बोलते टेक्स्चर रहता है, वो ख़राब हो जाता है। जैसे कि ये मैं 0 पे कर देता हूँ, अभी आपको सुनाता हूँ। मन खोजुला गोटे प्रेमिका ताकु मिल,
हल्का सा ची करके आवाज़ आ रहा है, क्योंकि मेरा स्टूडियो है नहीं, मैं घर पे रिकॉर्ड करता हूँ तो थोड़ा बहुत नॉइस तो आना ही आना है। सो इसको नॉर्मल मैं 8 पे करता हूँ ताकि ये वॉइस जो टेक्सचर जो है वो ख़राब भी ना हो, और जो क्या बोलते हैं उसको, जो नॉइज़ भी वो थोड़ा बहुत रिडक्शन हो जाए। सो आप कोई भी पर्टिकुलर नॉइज़ यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर नीचे आपके जो पैनल है, जो म्यूज़िक का, जो आपके जो वोकल्स हुए हुए हैं वहाँ से आप नॉइज़ उठा सकते हैं, या फिर जो सांस लेते हैं वो भी एक टाइप का नॉइज़ ही है, थोड़ा हैवी नॉइज़ है वो, बट वो नॉइज़ पे गिनती नहीं जाता, बट वो नॉइज़ है, आप माने या ना माने। सो आप किसी भी अपने सांस लेने टाइम नॉइज़ को आप क्लिक कर लीजिए, ऐसे क्लिक करके जो नॉइज़ स्टार्ट है, नॉइज़ एंड है, इसको ला के ऐसे आप कहीं पर भी रख सकते हैं इसको, ऐसे इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा, एनलार्ज कर दीजिए, इधर है देखिए लेफ्ट साइड पे, इधर लार्ज करने का, इधर डी लार्ज करने का ऑप्शन है। सो इधर ऐसे करके आप सिर्फ नॉइस को ही चेक कीजिएगा, ऐसे नॉइस स्टार्ट नॉइस एंड, या फिर आप वोकल्स पे कर देंगे तो वोकल्स गायब हो जाएगा। सो आप बस नॉइस को कीजिएगा कुछ इस तरह से जैसे मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, और इसको क्लोज कर दीजिएगा। सो अब ये हम लोग का जो नॉइज़ है इस सेगमेंट पे रिडक्शन हो गया। तो ऐसे ही आपको हर एक सेगमेंट पे आपको नॉइज़ रिडक्शन करना होता है इंडिविजुअली। इस पे हम लोग कर चुके, अब इस पे भी आप ऐसे ही कीजिएगा, इस पे भी ऐसे ही कीजिएगा, इस पे भी ऐसे ही कीजिएगा, इस पे भी ऐसे ही कीजिएगा। तो मैं एक बता चुका हूँ, बाकी सब आप कर लेंगे। ओके, अब हम लोग का जितना भी सांस लेते हैं, हम जो सांस होता है वो थोड़ा बहुत ऑड सुनाता है, तो उसको हम करेंगे क्या, उसको हम कुछ इस तरह से लूप लेके, एक मिनट मैं ये हटा देता हूँ ताकि आपको और एक बार से बता सकूँ, ये एनवलप मैं रीसेट कर देता हूँ। ओके, सो हम लोग को करना क्या है, यहाँ पर एक ऐसे छूना है तो यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा, इधर भी छूएंगे तो इधर एक पॉइंट आ जाएगा, पहले से है ऐसे, रुकिए मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब कुछ नहीं है, तो ये हम लोग का सांस है, अब आप सुन लीजिए एक बार, का ये सांस है हम लोग का, यहाँ पर करके आवाज़ आया। सो इसको अब एनलार्ज कर लीजिए, यहाँ से ऊपर देखिए मिडी के साइड में एक तो रहेगा, मिडी के साइड में एक तो रहेगा, देखिए ये बड़ा करने का, ये छोटा करने का। सो दिस इज़ द एनलार्जर एंड डी लार्जर। सो आप एनलार्ज कर लीजिए जितना भी हो सके, और यहाँ पर एक पॉइंट ऐसे करके बनाइए, जो सांस है, जो वोकल्स है और जो सांस है उसके बीच में एक पॉइंट बनाइए, और इधर एक पॉइंट बनाइए, और जो सांस वाला पोर्शन है उसको नीचे ऐसे करके ड्रैग कर लीजिए आराम से। ड्रैग करने के टाइम आप 7 to 8 decibel माइनस तक जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक येलो कलर का आएगा, ऐसे पर्टिकुलर आप ऐसे छुएंगे तो येलो कलर का आएगा, उस पर से ऐसे करके आप थोड़ा सा खींच लीजिए ताकि वो कर्व हो जाए, बिल्कुल ही एक आर्क का शेप का आ जाए। तो ये जो है ये हम लोग का, अभी देखिए आप सुनिए, थोड़ा सा दब गया हम लोग का सांस। सो वो जो मिक्सिंग के टाइम हम लोग जब एक्सपोर्ट करेंगे प्रोजेक्ट, तो वो ज़्यादा नहीं सुनाई देगा, एक इक्विवेलेंस आएगा। सो ये होता है प्रोसेस, मेनली दिस इज़ द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग, काफ़ी सही रहता है ये, प्राय कोई करता नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव एंड क्या बोलते हैं, गुड जो है प्रोसेस है, ये बहुत ही सही प्रोसेस है। सो ये आप करेंगे फर्स्ट, उसके बाद हम लोग मिक्सिंग स्टार्ट कर देंगे, मिक्सिंग तो स्टार्ट कर चुके हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग, नॉइस रिडक्शन आप याद रखें हमेशा। उसके बाद एफएक्स पे जाना है। ओके, रुकिए, एफएक्स पे जाने से पहले आप अपने जितने भी वोकल्स हैं उसी हिसाब से आपका सबसे हाई पिच जो है उसको आप लूप बनाइएगा फर्स्ट। तो पहले वोकल्स थोड़ा चेक कर लेते हैं कि मेरा हाई सबसे हाई कौन सा है, मोनोखो जो थे स्टार्टिंग पे तो नहीं हो सकता, सो कहीं बीच ना बीच में होगा। ओली प्रेमो तुम्हारी दला रे ओ कुनी उठो रे कही गलू केते कथा ओ लाजमी सा तोर कुनी उठो रे कही गलू केते कथा प्रेमरा कुआ कथा। सो दिस इज द, थोड़ा हार्श साउंड आ रहा है यहाँ पर, प्रेम और कुआ का था मैं। सो दिस इज़ द लिरिक्स ऑफ द उड़िया सॉन्ग, सो प्लीज़ डोंट माइंड, काफ़ी सही रहते हैं उड़िया सॉन्ग्स भी। सो इसको हम लोग ऐसे लूप बना लेंगे, इसको पहले ऐसे ड्रैग कर लिया, ड्रैग करके ऐसे सिलेक्ट कर लिया आपने जितने भी हाईज हैं आपके, जो थोड़ा हार्श साउंड कर रहे हैं, सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे देखिए मेट्रोनीम का एक ऑप्शन रहेगा, उसके साइड में एक लूप का ऑप्शन रहेगा, आप तो लूप को उस क्लिक करके लूप क्लिक कर दीजिएगा तो ऐसे ही आ जाएगा कुछ। ओके, आफ्टर दिस अब एफएक्स पे जाइए, फिर फैब फिल्टर प्रो Q3 करके एक तो प्लगइन है, उसको मैं क्लिक करता हूँ। ये सब इनबिल्ट प्लगइन्स नहीं होते, ये सब आपको डाउनलोड करना पड़ता है, मैं क्या बोलते हैं इसको, अगर आप सबको ये प्लगइन्स चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको मेल आईडी प्रोवाइड कर, मेल पे आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ प्लगइन्स, बट ड्यू टू
सम यू नो क्या बोलते हैं क्रैक वर्जन वर्जन ये सब, सो वो नहीं हो पाता। सो आप अभी आपको करना क्या है, अभी आपको करना क्या है, इसको लोज़ कर दीजिएगा थोड़ा सा। फैब फिल्टर प्रो क्यू थ्री ओपन करने के बाद आप इसको थोड़ा सा लोज़ कर दीजिएगा, ये जो ग्रीन कलर का आएगा इधर से, इसको थोड़ा सा लो करके माइनस सॉरी इसको 96 डीबी ऑक्ट पे लेके लो सेल्फ जो लिखा रहेगा उस पर लो कट कर दीजिएगा बस। और अभी वॉइस सुनिएगा थोड़ा, प्रेमरा कुआ कथा बंद करते हैं। अब क्या करेंगे, अब राइट साइड से इसको हाईस को कट करेंगे। अब ये जो 12 डीबी ऑक्ट है इसको हम लोग 96 डीबी ऑक्ट तक लेंगे, हाई सेल्फ जो है इसको हम लोग हाई कट कर लेंगे। अब पूरा दबा दबा सा लगेगा वॉइस, सुन लीजिए। कुआ कथा हाँ प्रेमरा कुआ कथा प्रेमरा कुआ कथा। इसको बंद कर देते हैं। अब फैब फिल्टर प्रो क्यू थ्री और एक बार हमको लेना है, और एक बार लेने के बाद ये जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग देख रहे हैं आप, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे क्लिक करके हम लोग को वोकल्स पे सिलेक्ट करना है ताकि हम लोग का वॉइस और थोड़ा एनहेंस हो जाए और थोड़ा लाउडर सुनाई दे। प्रोसेस है, हम डिलीट कर रहे हैं फिर इसको अंडू कर रहे हैं, डिलीट करें अंडू करें, सो दिस इज़ द प्रोसेस। उसी टाइप का प्रोसेस है, वो प्रोसेस नहीं बट उसी टाइप का प्रोसेस है। सो इस पर ला के हम लोग ने वोकल कर दिया। अब आप देख रहे हैं जो वेव फॉर्म्स है वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, सो दिस इज़ डन। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा ऑटो ट्यून डालेंगे। ऑटो ट्यून अगर डालना चाहेंगे तो डालिए, वरना मत डालिए। चलिए मैं ऑटो ट्यून नहीं डालता, या फिर डालूं, ओके मैं डाल देता हूं आप सभी को बताने के लिए, फिर ऑटो ट्यून रिमूव करके मैं आपको सॉन्ग सुना लूँगा कि कैसा लग रहा है आपको बिना ऑटो ट्यून की, क्योंकि मुझे ज़्यादातर ऑटो ट्यून यूज़ करना नहीं पड़ता सॉन्ग्स पे, सो मैं आपके लिए ऑटो ट्यून यूज़ करना भी सिखा देता हूँ थोड़ा बहुत। तो ऑटो ट्यून यूज़ करने से पहले आप ऑटो की वी एस टी 3 पे क्लिक कीजिए तो ये कुछ आ जाएगा ऐसे, और एफ एक्स पे जाके फिर से आप ऑटो ट्यून आर्टिस्ट वी एस टी 3 मान लीजिए। अब थोड़ा सा देर लगेगा इसको खुलने में, ओके खुल गया। अब गाना को प्ले कीजिए। कुआ कथा हाँ प्रेमरा 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 कुआ कथा हाँ प्रेम टेक्सचर है वो टेक्सचर आपका लौट आएगा। प्लस अब जब ऑटो ट्यून डाल रहे हैं, अगर ये फ्लैक्स ट्यून को आप पूरा नहीं करते तो वो ऑटो ट्यून रहता है, अगर आप फ्लैक्स ट्यून को दे देते हैं तो एक वो वोकल एनहेंसर एज अ वोकल एनहेंसर वो यूज़ होता है। सो ये नहीं कि ऑटो ट्यून डाल रहे हैं हम, ओके मैं आपको बिना ऑटो ट्यून के भी आपको सुना दूँ। ऑटो ट्यून डालना कोई बुरा बात नहीं है, सो दिस पार्ट ऑफ द मिक्सिंग प्रोसेस। हर आजकल के हर सिंगर्स डाल रहे हैं ऑटो ट्यून, मैं फिर भी आपके तसल्ली के लिए बिना ऑटो ट्यून का आपको सुनाऊंगा ज़रूर। आप लोग सब तो प्रैक्टिकली आप देख ही रहे हैं, ओके सो ऑटो ट्यून मुझे जितना चाहिए था मैं डाल दिया। अब हमको करना क्या है, एफ एक्स पे जाके हम अकोस्टिका प्रो स्टूडियो रिवर्व, ये देखिए अकोस्टिका प्रो स्टूडियो रिवर्व, सो ये फ्री का रहता है पहले से,
इस पे हम लोग क्या करेंगे, मीडियम हॉल जो है उसको जाके कैथेड्रल पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब गाना को चलाएंगे। कथा हाँ प्रेमरा कुआ कथा हाँ प्रेमरा कुआ कथा हाँ प्रेमरा कुआ कथा हाँ प्रेमरा कुआ प्रेमरा कुआ कथा हाँ 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 प्रेमरा कुआ। अब देखिए रिवर्ब डालने के बाद कैसे साउंड आता है बंद करने के बाद, कथा थोड़ा सा इको हो रहा है ना लास्ट, सो वही चाहिए हम लोग को। अब एफ एक्स जाके हम लोग फिर से सिलेक्ट कर लेंगे क्लासिकल डिले। ओके क्लासिक डिले, दिस क्लासिक डिले जो यहाँ पर न्यू टेप आ रहा है, हम न्यू टेप नहीं करके पिंग पोंग करेंगे इसको ताकि वो कानों पे पैनिंग हो, वो पैनिंग चाहिए हम लोग को। अब यहाँ पर जो आउटपुट है, आउटपुट में बस हम लोग को मिक्स को छेड़ना है, लेवल को छेड़ना नहीं है। सो यहाँ पर हम लोग गाने को फिर से प्रेमरा कुआ कथा हाँ प्रेमरा कुआ कथा हाँ प्रेमरा कुआ कथा हाँ प्रेमरा कुआ कथा हाँ प्रेमरा कुआ कथा। ये इको भी दे रहा है, वॉइस टेक्सचर भी गायब नहीं हो रहा है और एक परफेक्टली बैलेंस्ड दिखा रहा है। सो दिस इज़ द प्रोसेस। ओके सो हम लोग ने क्लासिकल डिले लगा लिया। अब हमको क्या लगाना है, अब हमको लगाना है फैब फिल्टर सेचुरेशन। ओके सेचुरेशन करेगा क्या, वॉइस को सेचुरेशन देगा। अब आपको ये जानना है कि सेचुरेशन होता है क्या, सेचुरेशन मतलब कुछ एनहेंस करना। ओके सो हम लोग को वॉइस को थोड़ा सा एनहेंस करना है, एनहेंस मतलब थोड़ा सा और अच्छा बनाना है। प्रेमरा कुआ कथा हाँ 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 प्रेमरा। जो वॉइस है वो दबा दबा सा नहीं लगेगा फैब फिल्टर सेचुरेशन के लिए। अब आपने तो देखा कैसे किया मैंने। अब एफएक्स पे जाके हम लोग यूज़ करेंगे नेक्टर 3। ओके सो नेक्टर 3 इज़ वन ऑफ द मेन, मेन तो सभी हैं बट दिस इज़ द मोस्ट प्रोबेबल मेथड बिकॉज इससे होता क्या है, हम लोग का डायनामिक्स जो है वो कंट्रोल होता है। अच्छा डायनामिक्स क्या है, डायनामिक्स होते क्या हैं, डायनामिक्स जो है आपके जो हाइज हैं लोज हैं, जो हाइज जो हार्श साउंड करते हैं उसको वो एक पैरेलली कन्वर्ट करता है, पैरेलल वोकल पे, वोकल ट्रैक पे कन्वर्ट करता है। जैसे कि अगर कुछ भी सॉन्ग है जैसे बहुत हाई है तो वो हार्श साउंड तो करेगा ही करेगा, उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए जो है उसको रिडक्शन करना पड़ेगा। वो फैब फिल्टर पे नहीं हो सकता वो डायनामिक्स कंट्रोल, उसको हम लोग को नेक्टर पे ही करना पड़ेगा। और अगर मैन्युअली आप करेंगे तो आपको ऑटोमेशन क्रिएट करके मैन्युअली करना पड़ता है। सो एज उतना टाइम होता नहीं मेरे पास कि मैं मैन्युअली करूँ ऑटोमेशन लगा के, सो ये सब के लिए तो मैं नेक्टर यूज़ करता हूँ बेसिकली। सो नेक्टर पे करता क्या हूँ मैं, नेक्टर ऐसे खोल के वोकल असिस्टेंट मारिए, असिस्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए और मॉडर्न मॉडरेट पे रहने दीजिए इसको और फिर नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पर लिख रहा है वेटिंग फॉर यू टू प्ले ऑडियो। अब अभी हम लोग को ऑडियो प्ले करना है, सो दिस आई हैव टू प्ले, सॉरी। प्रेमरा कुआ कथा प्रेमरा कुआ कथा हाँ 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 प्रेमरा कुआ कथा। तो ये हुआ कि हुआ क्या, जो अप्स थे उसको भी थोड़ा सा डाउन कर लिया और जो डाउन थे उसको भी थोड़ा सा अप्स कर लिया, मतलब एक एक परफेक्ट पैरेलल वोकल ट्रैक अभी हम लोग के पास है। ये वेब पे वो अलग दिखा रहा है क्योंकि
इस पे मिक्सक्राफ्ट पे होते नहीं, ये लाइव वेव नहीं होते इस पे, जैसे दिखा रहे हैं बस वैसे ही होते हैं। जो एवल्टन लाइव है या फिर वो सब जो है डॉस, आप उस पे पाएंगे कि वो लाइव डिटेक्ट करता है जो वेव्स, डायनामिक कंट्रोल करने के बाद भी वो लाइव ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। सो इन दिस डॉ दिस इज दिस फीचर इज़ नॉट अवेलेबल। सो ये हम लोग का मिक्सिंग ट्रैक इट्स कम्प्लीट, और कुछ नहीं चाहिए इस पे। एक लास्ट प्रोसेस है मुझे बताऊँगा मैं आपको, बस इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए यहाँ से ऊपर से, और इस पे अब हम क्या करते हैं, अब इसको ऑन कर लेते हैं। हम लोग का जो म्यूट ट्रैक था, जो कैराओके ट्रैक, अब थोड़ा सा सुन के देखते हैं कैसा लग रहा है इस पे। मन खोजुला गोटे प्रेमिका ताको मिलला मनर नायिका प्रेम हैला कि हाय मते रे ओ फिका फिका थिला ए जीवन रंग भरी आनी देलु फगुण प्रेम हैला कि हाय मते रे ओ। ये तो पहले से भी बहुत अच्छा साउंड कर रहा है ये, थोड़ा जोश में थोड़ा अच्छा ही बन गया ये। बाकी सब रहा ये ट्रैक आपके ऊपर है, देख लीजिए ट्रैक कैसा दिख रहा है। और मैंने आपको सब बता दिया कि नॉइज़ रिडक्शन कैसे करना है, साउंड जो सांस पार्ट है उसको कैसे रिडक्शन करना है, हर एक आपको सांस जहाँ पर लेंगे आप उसको डाउन करना है जैसे बताया था फर्स्ट में। तो आप मेरे वीडियोज़ को आप इस वीडियो को पर्टिकुलर वीडियो को अच्छे से देखिएगा अगर आपको मेरे लेवल तक का मिक्सिंग मास्टरिंग चाहिए तो, क्योंकि मैं मेरे लेवल तक का ही दे सकता हूँ। अगर आपको और बहुत कुछ सीखना है तो आप रिसर्च कीजिए, यूट्यूब देखिए, कई सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, कई सारे बहुत बहुत सारे होते हैं। मेरे पर्सनली एक फ्रेंड हैं आदिया पटेल करके, उनका SSR म्यूज़िक करके एक यूट्यूब पे चैनल है, आप जाके उनके वीडियोस चेक कीजिए, काफ़ी सही बनाते हैं वो। सो आप कहीं भी जा के देख सकते हैं, आप मेरा वाला ही देख सकते हैं आप। सो यू आर बिगनर, यू आर एवरीथिंग, आप जो कुछ करना चाहें आप कर सकते हैं। सो दिस इज़ द मिक्सिंग प्रोसेस, मिक्सिंग फाइनल हो गया। अब हमको क्या करना है, ये जो मिक्सिंग ट्रैक है, अब साउंड अच्छा सुनाई दे रहा है, अब देखिए ये जो लास्ट है मिक्सिंग का स्टेप, आप ऐसे बजा। मन खोजुला गोटे प्रेमिका ताको मिलला मनर नायिका प्रेम हैला कि हाय मते रे ओ। फिका फिका थिला जीवन रंग भरी। तो ये हम दोनों को पैरेलल चाहिए, ओके, पैरेलल इन द सेंस कि ये मीटर पैरेलल चाहिए, ये जो है ये वाला पैरेलल नहीं, हम लोग को मीटर पैरेलल चाहिए। फगुण प्रेम हैला कि हाय मते रे ओ। चाहि देलु मते जेबे तू भूली, बस हल्का सा एक दो पॉइंट ऊपर रहना चाहिए, बस हल्का सा एक दो पॉइंट ऊपर रहना चाहिए पैरेलल से, ताकि वो वॉइस जो है वो उभर के आए। सो उतना कुछ करने के बाद, ये लास्ट प्रोसेस था, उतना कुछ करने के बाद फाइल जाके आप इसको मिक्स डाउन टू WAB मारिए। ये WAB मारना बहुत ज़रूरी है, इसको यस कीजिए, ओके। अब आप कहीं भी पाथ दे के सिलेक्ट कर लीजिए, मैं डेस्कटॉप पे ही कर ले रहा हूँ आप सभी को दिखाने के लिए। डेस्कटॉप पे कुछ भी नाम दे दे रहा हूँ, और सपोज़ मैं विशाल दे दे रहा हूँ, विशाल दे दिया। और इसको एडिट डिटेल्स पे जाके इसको हाई क्वालिटी पे कीजिए हमेशा, ये 200-300 तक का जाएगा MB, लेकिन हाई क्वालिटी पे ही कीजिए, ओके कीजिए, इसको सेव कीजिए। अब ये एक्सपोर्ट हो जाएगा नीचे से, यहाँ पर रेडी दिखा रहा है, देखिए मेरे कर्सर को देखिए, रेडी दिखा रहा है, रेडी के साइड में एक तो बार आएगा, ये थोड़ा बहुत स्लो चल रहा है, ओके बार आ गया। क्रिएटिंग वन बाय वन विशाल डॉट WAV 1% दिखा रहा है। सो ये 100% तक होगा, सो इट विल टेक टाइम, सो आई एम जस्ट, मैं पॉज कर रहा हूँ अभी, ओके जब हो जाएगा फिर मैं आपको रिज्यूम करके दिखा रहा हूँ। सो ये 94% तक आ चुका है, हम लोग को चाहिए 100% तक, अगर हो जाए तो फिर बहुत बेटर, जल्दी हो जाए तो फिर बेटर है। सो ये 96, 99, 100, ओके इट्स डन। अब इसके बाद कुछ ऐसा आ जाएगा, खुद ब खुद ओपन हो गया, आ जाएगा म्यूज़िक फाइल। सो इसको हम लोग को सुनना नहीं है, इसको डिलीट कर, सॉरी इसको इधर से क्रॉस कर दीजिए बस, अरे क्या क्या निकल के आ रही है, मेरा कुछ अपडेट्स वगैरह निकल के आ रहे हैं, सो सॉरी फॉर दैट।
ମନ ଖୋଜୁଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରେମିକା ତାକୁ ମିଳିଲା ମୋ ମିକ୍ସିଙ୍ଗ ଫାଇଲ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ମାଷ୍ଟରିଙ୍ଗ ଫାଇଲ୍ ଓକେ ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ 70% ୱି ହାଭ୍ ଡନ୍ ଇସ୍ ଫାଇଲ୍କୁ ସେଭ୍ କରିଦିଜିଏ ସେଭ୍ କରିକି ଆପ ରଖ ଦିଜିଏ ତାକି ଆପକେ ଫ୍ୟୁଚର ରେଫରେନ୍ସେସ୍ ପେ ଆପକୋ କାମ ଆଏ ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ମିକ୍ସିଙ୍ଗ ଫାଇଲ୍ ୱି ହାଭ୍ ଡନ୍ ସୋ କ୍ଲୋଜ୍ ଦିସ୍ ୱନ୍ ଆଫ୍ଟର ସେଭିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆପକୋ ୟାଦ ରଖନା ହେ କି ଆପକା ଯୋ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଫାଇଲ୍ ହେ ଆପନେ କିଧର ରଖା ହୁଆ ହେ ସୋ ମେନେ ତୋ ଡେସ୍କଟପ୍ ପେ ହି ରଖା ହୁଆ ହେ ମେରା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଫାଇଲ୍ ସୋ ଅଭି ହମକୋ ମାଷ୍ଟରିଙ୍ଗ ପେ କରନା କିଆ ହେ ନାଓ ୱି ୱିଲ୍ ଗୋ ଟୁ ଆପକା ଯୋ ଡ଼ ହେ ଡ଼ ଉସ୍ ପେ ଡବଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କିଜିଏ ଅର୍ ନୟା ଡ଼ ଖୋଲ ଲିଜିଏ ଫିର I mean the new tab of the DAW. So ab Mixcraft Pro 9 Studio. This is my DAW and ye khul raha hai. Ek baar khul jaye fir main aapko batata hu ki karna kya hai. So khulne ke baad kuch ye aisa dikhega. Is tarah ka kuch interface hai iska. So hum log kahan rakhe the? Acha hum log ka एक मिनट बस कहाँ सेव किया था यार ओके सो दे हियर इज़ द फाइल हियर इज़ द फाइल विशाल ओके सो दिस इज़ द मिक्स फाइल एक बार सुन लेते हैं ना यही है कि नहीं मैं कंफ्यूज्ड हो गया थोड़ा सो सॉरी फॉर दैट ओके सो दिस इज़ द फाइल वी हैव एक्सपोर्टेड फ्रॉम द मिक्सिंग वन एंड नाउ वी विल ड्रैग टू दिस मास्टरिंग फाइल सो यहाँ पर ड्रैग करके यहाँ पर हम लोग को ड्रैग कर लेना है आफ्टर ड्रैगिंग यार मेरा पीसी बहुत स्लो हो गया यार सही में रिप्लेस करना पड़ेगा आफ्टर रिप्लेस दिस पीसी ओह माय गॉड इतना स्लो रोना भी आ रहा है हंसी भी आ रहा है मुझे आई एम सो सॉरी फॉर द डिले गाइस इसके वजह से वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है मैं जितना एज पॉसिबल एज शॉर्ट मैं करना चाहता हूँ मैं कर रहा हूँ सो अभी ये हम लोग का जो मास्टरिंग फाइल है वो आ गया है सॉरी मिक्सिंग फाइल है वो आ गया अब हमको इसको मास्टरिंग फाइल पे कन्वर्ट करना है सो मास्टरिंग फाइल इज़ द फाइनल फाइल ओके अब हमको करना क्या है इस पर भी हाइज हमको लेना है जहाँ पर जो नेक्टर सॉरी मिक्सिंग के टाइम हम लोग जो हाइज लिए थे इधर भी हमको हाइज लेना है सब बुझी गली सब मानी नेली प्रेम रखुआ कथा हाथ को मोर जेबे दे प्रेम रखुआ कथा 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 प्रेम रखुआ दिस इज द मास्टर इंटरफेस अब हमको करना क्या है यहाँ पर मास्टर असिस्टेंट पे क्लिक करना है ऐसा खुल जाएगा तो फिर उसके बाद नेक्स्ट कर लेना है ये भी बोलेगा वेटिंग फॉर यू टू प्ले द ऑडियो अब हम लोग को ऑडियो को प्ले कर देना सिंपली प्रेम रखुआ कथा 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 प्रेम रखुआ मैंने जैसे एक्सेप्ट किया उसको एक्सेप्ट कर लीजिए बस और इसको अब मैं बता रहा हूँ वहाँ पर लिखा था कि नो एक्सट्रीम डायनेमिक रेंज डिटेक्टेड उसका मतलब ये है कि हम लोग पहले से नेक्टर पे डायनेमिक कंट्रोल कर चुके हैं हम लोग को इधर नहीं चाहिए तो ये जो भी दिखा रहा है एप्रोप्रिएट दिखा रहा है इससे पता चलता है सो अब हमको करना क्या है अब हमको करना है यहाँ पर देखिए प्लस का आइकन आ रहा है मास्टर असिस्टेंट के नीचे वो प्लस दबाना है और इमेजर लोड करना है ओके
अब हम लोग को जो लूप पे गाना है उसको साउंड को ऑफ कर देते हैं। सो आपने देख लिया इमेजर का काम क्या है, हमको उसको बढ़ाना है, कमाना नहीं है, बढ़ाना है। सो आपके वॉइस के अकॉर्डिंग उसको बढ़ाना है। सो दैट इज़ द मेन प्रोसेस। और अभी लूप खोल के हम लोग का जो मास्टरिंग फाइल है, हम लोग का जो फाइनल फाइल है वो रेडी हो चुका है। अभी फाइनल फाइल जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम लोग को क्या है, इसको एक्सपोर्ट करना है। फाइल जाके मिक्स डाउन टू, और इस पर कुछ करना ही नहीं है। मास्टरिंग हो गया हम लोग का, बस उतना ही था। और कुछ हमको छेड़खानी करना नहीं है, कुछ 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 नहीं करना है, बस वो था। अब हम लोग को फाइल जाना है, मिक्स डाउन टू MP3 करें या फिर WAV करें, अब ये आपके ऊपर है। मैं तो यूजली WAV करता हूँ मेरे जो वीडियोस हैं उसके लिए। WAV में थोड़े से साउंड क्वालिटी अच्छे आते हैं, बट मैं MP3 अभी करता हूँ ताकि आप सब शेयर कर सकें MP3 फाइल। सो MP3 इज़ पर्सनली शेयरेबल फाइल, एंड WAV थोड़ा ज़्यादा रहता है, 200-300 MB का रहता है आपको, जैसे मिक्सिंग टाइम में जैसे हम लोग किए थे WAV पे। सो MP3 अभी कर लीजिए ताकि हम दूसरों को शेयर कर सकें। गाना ऑब्वियसली इसीलिए गाया जाता है ना, दूसरों को शेयर करें या फिर खुद सुनने के लिए। तो अभी डेस्कटॉप आप कहीं भी इसको कर लीजिए सेव। मैं MP3 कर लेता हूँ। यहाँ जो है ये देखिए सब एक्सटेंशंस है, आप MP3 पे क्लिक करके कीजिए और उसका एक नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए। चलिए जाना पहचाना नाम देते हैं, क्या दें, मास्टरिंग फाइल, चलिए मास्टरिंग फाइल ही दे देते हैं। ओके, अब आपको जो एडिट डिटेल्स है उस पर जाके हाई क्वालिटी पे मारना है, इसको हमेशा सेव कर लेना है। ये कुछ अभी देखिए नीचे सेव हो रहा है, जैसे हम लोग का मिक्सिंग फाइल हुआ था सेव, अभी ये मास्टरिंग फाइल भी सेव हो रहा है। अब मैं पॉज कर लेता हूँ थोड़ा देर, क्योंकि ये वक्त लेगा। सो गाइज ये ऑलमोस्ट 93% तक का हो गया है, 94 हो गया, 95 हो गया, अगर छोड़िए 96, सो इट्स डन। खुलने के बाद ऐसे कुछ आ जा रहा है, ये ऑडियो का ऐसे ही आता है। ओके, सो इसको काट लेंगे, इसको काट लेंगे, इसको मिनिमाइज़ कर दीजिए आप। और हम लोग जो फाइल जहाँ पे एक्सपोर्ट किए रहेंगे, जो हम लोग का मेन फाइल रहेगा, उसको हम लोग सुनते हैं। हम लोग का फाइल का नाम क्या था, मास्टरिंग फाइल। ओके, सो दिस इज़ द फाइनल फाइल, दिस मास्टरिंग फाइल इज़ द फाइनल फाइल, जिसको हम ऑडियो फाइल बोलेंगे। और इसको हम शेयर करेंगे, सब कुछ करेंगे, इस पर गाना बनाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे, और क्या, छोड़िए बस इसको चला के देखते हैं आप। अब इसको सुनिए कैसा लग रहा है, बताइए मेरे को कमेंट पे, ज़रूर बताइएगा कि गाना कैसा लग रहा है, क्योंकि ये गाना मैंने पहले से डाला हुआ है यूट्यूब पे, फिर भी आप अभी सुन लीजिए, क्योंकि आपके सामने ही मिक्सिंग मास्टरिंग किया मैंने। गौर से सुनिए गाइस, गौर से सुनिए, हर एक लेवल, हर एक डायनेमिक्स अभी फुल्ली कंट्रोल्ड है और काफी सही बैठेगा, ये मेरा गारंटी है। We'll be right back.
मन खोजुला गोटे प्रेमिका ताकू मिलला मनर नायिका प्रेम हैला कि हाए मते रे ओ फिका फिका थिला ए जीवन रंग भरी आनी देलु फगुण प्रेम हैला कि हाए मते रे ओ पता चल गया आपको कि मिक्सिंग मास्टरिंग क्या है, कैसा है, कैसा होता है। कुछ भी डाउट है फिर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे डाउट पूछिए, मैं आपको कमेंट सेक्शन पे रिप्लाई दे दूंगा। और थैंक यू फॉर एवरीथिंग, बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं आप लोग मुझे यूट्यूब पे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह मेरे गानों को सुनते रहिए। और ये रहा जो आप ख्वाहिश था आप सभी का, मिक्सिंग मास्टरिंग कैसे करता हूँ, क्या करता हूँ। सो हाँ, मैं आपको और एक चीज़ बताने वाला था ना कि विदाउट ऑटो ट्यून कैसे सुनाता है मेरा सॉन्ग्स। आप एक बार सुन लीजिए, आप देख लीजिए, ताकि आप सबको भी क्लैरिफाई हो जाए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि रहता है ना एक डर कि ऑडियंस को जो भी देना है परफेक्ट देना है, झूठ बोलना नहीं है, ठगना नहीं है। ओके, सो हियर इज़ द ओपन कर रहा हूँ, बस एक मिनट रुकिए। आप जो भी है मेरा सच्चाई है, आप खुद देख लीजिए कि विदाउट ऑटो ट्यून मैं कैसे आवाज़ करता हूँ। सो बस थोड़ा सा रुक जाइए, खुल जा सिम सिम। सो इट्स डन। ये देखिए यहाँ पर ऑटो ट्यून आर्टिस्ट है मेरा, इसको मैं करूँगा डिलीट। ओके, डिलीट हो जा, रुकिए, इसको करूँगा मैं रिमूव। ओके, ऑटो की को करूँगा रिमूव। अब सुनिए, मन खोजुला गोटे प्रेमिका ताकू मिलला मनर नायिका प्रेम हैला कि हाए मते रे ओ फिका फिका थिला ए जीवन रंग भरी आनी देलु फगुण प्रेम हैला कि हाए मते रे ओ। द सॉन्ग विदाउट ऑटो ट्यून, आप जैसे देख सकते हैं फिल्टर पे कोई ऑटो ट्यून नहीं, कुछ नहीं। सो दिस इज़ द वैलिड प्रूफ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। और ये बात ही बता रहा हूँ कि ऑटो ट्यून लगाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सोचते हैं ना काफ़ी सारे इंसान सोचते हैं कि ऑटो ट्यून लगाना एक गुनाह है एक तरह का, जितना भी मैं सुना हूँ या फिर सो उनके लिए जो सोचते हैं, जो नहीं सोचते उनके लिए बस आप सभी की दुआ ही काफ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। इसी तरह सपोर्ट कीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट प्लेबैक सिंगर इन द यू नो, सो मुझे एक बहुत अच्छा प्लेबैक सिंगर बनना है, आप सभी के सपोर्ट से होगा। और मैं इसी तरह आप सभी के लिए गाने लाता रहूँगा और इतना प्रैक्टिस करता रहूँगा। गाइस, मेरा स्ट्रगल लाइफ यार 4-5 साल का है, इसे मैं वेस्ट करने तो दूंगा नहीं। सो आप सब मेरे साथ बरकरार रहिए बस, बाकी सब मैं देख लूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इतना प्यार देने के लिए, और थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।